नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रिजवान खान है। तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए आप लोग के सामने आ नहीं सका। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से हार्ट में ब्लॉकेज है। आप जैसा देख सकते हैं मेरा चेहरा, तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी। वीडियो बना नहीं पाया, आप लोगों से बातें नहीं कर पाया, तो हिम्मत करके कोशिश करके आप लोग के सामने आया हूँ। दवाइयाँ खा रहा था और ग्लूकोज वगैरह भी चढ़ रहे थे। कई लोग मुझे व्हाट्सअप करें, मैंने उनके जवाब देने की कोशिश की है और कई लोगों के मेल के भी जवाब मैंने देने की कोशिश की है। तो आप लोगों के साथ तो मेरा रिश्ता, जब तक मैं दुनिया से चले नहीं जाऊंगा जब तक आप लोगों के साथ मेरा रिश्ता रहेगा, तो मैं आप लोगों को जवाब देने की कोशिश तो करूंगा ही करूंगा। लेकिन सवाल जब आप मुझसे पूछते हैं ना, या कुछ काम के बारे में, तो आप है ना एक ही बार में पूरा लिख कर भेजिए, नाम, माँ बाप का नाम, आपका गांव का पूरा पता, आपका एड्रेस, आपका फोन नंबर और अपनी फोटो साथ में मुझे लगा के जरूर भेजिएगा, तो मैं आपको एक साथ जवाब दे दूंगा। थोड़ा थोड़ा मुझे पूछना पड़ता है कि आप कहाँ से हो, कौन बोल रहे हो। तो जैसा ऐसा मेरी सेहत में सुधार आएगी, मैं आप लोग के लिए कुछ काम भी करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा आप लोग के सामने, और अच्छे से अच्छे वीडियो बना के आप लोग के सामने लाने की भी पूरी कोशिश करता रहूंगा। तो जितना मुझसे होगा मैं उतना आप लोगों के लिए अच्छा वीडियो और अच्छे मंत्र दुआएं बताऊंगा। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जिन लोगों के पास मेरी किताबें हैं तो उससे भी वो बहुत मंत्र सीख सकते हैं। और मेरे वीडियो में बताए गए बहुत से ऐसे अमलियात, तंत्र मंत्र प्रयोग है जिनको करके भी वो लोग अपनी समस्याओं को, अपनी तकलीफों को दूर कर सकते हैं। तो जब तक आप कोई चीज़ का प्रैक्टिकल करोगे नहीं तब तक आपको समझ में कैसे आएगा। या एक बार फेल हो जाओगे, दो बार फेल हो जाओगे, तीन बार करते रहो, आप जरूर कामयाब हो जाओगे। और जहां तक हो सके तो मैं वशीकरण के लिए लोगों से बात ही नहीं करता हूँ, ना उनको जवाब देता हूँ, क्योंकि वो एक ऐसा धंधा है जो बेवकूफ बना के अच्छा पैसा कमा सकते हैं, लेकिन मैं वो काम ही नहीं करता। मुझे नहीं चाहिए वो काम, किसी को वशीकरण करना है। पति पत्नी की समस्या है तो मैं कर दूंगा, लेकिन ऐसा प्रेमी प्रेमिका के लिए मुझे कॉल और मैसेज मत करें। मारण करने के लिए, इसका मारण करना है, उसका मारण करना है, ये सब कामों के लिए मुझे मैसेज और कॉल मत करें, मैं जवाब नहीं दूंगा। दूसरे बाबा लोगों को करें, आपका फटक से उठा लेंगे और आपको अमाउंट भी बता देंगे कि अभी आप 2000 भेज दो, 5000 भेज दो, भेज दो भेज दो, बाद में फिर वो आपको ऐसी जगह भेज देंगे कि आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि आपके नंबर का ऐसी जगह ब्लॉक डाल देंगे। तो ये सब चक्कर में पड़ना बेकार है। और अगर आप एक दूसरे के लिए बने हो तो किसी का बाप आपको अलग नहीं कर सकता, अगर आप एक दूसरे के लिए नहीं बने हो तो किसी का बाप तंत्र मंत्र के जरिए आपको मिला नहीं सकता। यू आर नॉट मेट इट इज मेड फॉर ईच अदर, और यू आर मेड फॉर ईच अदर, दोनों भी बात है। कई लोग मुझे पूछते रहते हैं कि बाबा कुछ ऐसी प्रयोग बताओ जिससे हम अपने घर की तकलीफें और परेशानी खुद दूर कर सकें। तो मैंने अक्सर अपने वीडियो में अक्सर बताया था कि एक नारियल को अपने घर पे से उतार के चारों तरफ से घुमा के, बाथरूम वगैरह में से भी घुमा के, किचन में से घुमा के, दरवाजे पर फोड़ के आधा टुकड़ा राइट साइड, आधा टुकड़ा लेफ्ट साइड, यानी घर के बाहर की तरफ रख दे या फेंक दे, बाद में उसको उठा के 2 घंटे के बाद कचरे के डब्बे में डाल दे। तो ऐसे में भी बड़ा परेशान निकल जाती है। या आपने दरवाजे से खड़े होकर के नींबू को पूरा घुमा के, दरवाजे से खड़े होकर 7 बार दरवाजे से नींबू उतार के नीचे 7वीं बार जाके नींबू काट के 2 टुकड़े आधा करके फेंक दे। तो ऐसे घर के समस्या करने के लिए तो मतलब 1000 प्रैक्टिकल है, करना चाहे तो आदमी कर सकता है, लेकिन हर कोई नहीं कर सकता है। मैं कितना बताऊंगा तो भूल जाएंगे, फिर बाद में मुझे कॉल करके पूछेंगे बाबा ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो मैं क्या करूँ, तो जवाब नहीं दे पाता हूँ। बस इसके लिए मैं आप लोगों से माफी चाहता हूँ। मैं पैसों के पीछे नहीं भागता हूँ, मैं अगर पैसों के पीछे भागता तो मैं इतना बीमार परेशान नहीं पड़ा होता। देने वाले लोग मुझे खुशी से खुद ही दवा पाने के लिए पैसे दे देते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो मुझे बिना बोले दवा पाने के लिए पैसे भेज देते हैं, ऐसे लोगों का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और उन लोगों का मैं हाथ जोड़कर उनका मैं इस्तकबाल करता हूँ, उन लोगों के लिए दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। हमेशा ऊपर वाला उनके साथ रहेगा और उनकी दुख तकलीफ हमेशा ऊपर वाला दूर करेगा। मेरी दुआ है, मेरे गुरु का आशीर्वाद है कि उनकी आने वाली हर मुसीबत दूर हो जाएगी, उनका परिवार हमेशा कुशल मंगल और खुश रहेगा, क्योंकि वो लोग मुझे पूछते हैं, मुझे दवा पाने के लिए पैसा देते हैं। उनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया दिल से अदा करता हूँ। जो नहीं देते उनके लिए भी मेरी दुआ है उनके साथ, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो खुशी की बात होती है। तो फिलहाल तंत्र मंत्र में झूठ बोल के पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, तंत्र मंत्र से झूठ बोलकर पैसा कमाना बहुत आसान काम है। तंत्र मंत्र में हाथ की सफाई, कलाकारी, चमत्कारी,
ये आइटम दिखा के केमिकल दिखा के लोग आजकल बेवकूफ बना के निकल जाते हैं। नाम बड़े दर्शन छोटे, लेकिन लोग उनको पैसा बहुत देते हैं, उनके पीछे ही भागते हैं क्योंकि उनको चमत्कार दिख गया तो वो पागल हो जाते हैं, लेकिन सच्चाई का पता नहीं होता है कि उसके पीछे आखिर लॉजिक क्या है। जैसा ठीक लगे आप लोग को, आप लोग अपना, अगर आप लोगों को लगता है कि मेरे पास से आप लोग का इलाज नहीं हो पा रहा है या मेरे से आप लोगों की बात नहीं हो पा रही है, तो आप भी कोई ऐसा बाबा ढूंढ लीजिए और अपने पैसे खर्चे करने को तैयार हो जाइए, ज्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन हाँ, इतना कि अगर आप खर्चा करने के बाद अगर आप पूरी तरह से फिर से बर्बाद हो गए तो मुझे अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करिएगा कि बाबा हम लोग ने पैसा खर्चा किया था, उसका रिजल्ट हमको बिल्कुल नहीं मिला। मुझे जरूर बताइएगा क्योंकि मैं आपके भले के लिए, आपके अच्छे के लिए आपको बताता हूँ, लेकिन लोग सुनते कहाँ है। लोग, मैं कितना ही बताऊंगा कि बेटा वहां मत जाना, कट जाओगे, जाएंगे जरूर, होनी को कौन टाल सकता है। तो आप लोग की मर्जी, आप जाइए कटिए, और कुछ मंत्र मेरे हैं वीडियो में, देखिए उसको, समझिए उसको, नहीं समझ में आता तो 4-5 बार देखिए उसको। मैं एक ही वीडियो में इतना कुछ बोल देता हूँ, समझने की जरूरत है। मैंने कोई भी चीज़ आज तक गलत नहीं बताई, मैंने जो भी बताया ओरिजिनल प्रैक्टिकल करके बताया, और मैंने उसका रिजल्ट देखा है, मैंने वही बताया, वही बताता हूँ जिसे हो सकता है। मैं कोई बड़े बड़े शास्त्र मंत्र या कोई बड़े बड़े प्राचीन मंत्र मंत्र ऐसे नहीं पढ़ता, सब साबर मंत्र बताता हूँ जो एक आम आदमी भी कर सकता है, बिना गुरु के कर सकता है। तो गुरु बिना ज्ञान नहीं, वो बात ठीक है कि आप मेरे गुरु को अपना गुरु बनाइए और साधना अमलियात करिए। कुछ लोग हैं जो मतलब मुझसे जुड़ना चाहते हैं, मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी उनके साथ जुड़ूँ और आगे बढ़ूँ, उन लोगों को भी मैं आगे बढ़ाऊँ। तो इंतज़ार रखिएगा मेरा, मैं जैसे ठीक हो जाऊँगा मैं आप लोग के सामने फिर आऊँगा और हम लोग वापस मिलेंगे और हम लोग कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे मिल के साथ में। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप मेरी जीवन यात्रा रहस्यमय खोज के साथ जुड़ना चाहते हैं, और मेरी कई कम से कम 10 किताबें अभी बाजार में आना बाकी है, जैसे कि काला मशान, जैसे झाड़ फूक, जैसे महागुरु घंटाल, ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं आने वाली है, तो उन सब चीज़ों के लिए तैयार हो जाइए। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों का भी वीडियो डालूं, आप लोग भी कुछ करते हो चमत्कार वगैरह, आप लोग के बारे में भी मैं कुछ आपका भी मैं प्रमोशन कर दूं, तो आप लोग मुझसे ज़रूर कांटेक्ट करिएगा। जो लोग मुझे अपना गुरु मानते हैं, मेरे गुरु को अपना गुरु मानते हैं, उनके लिए मैं कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकालूंगा। अच्छाई के रास्ते पर चलो, नेक के रास्ते पर चलो, गलत तरीके से पैसे मत कमाओ, ईमानदारी से पैसे कमाओ, ईमानदारी का पैसा आपको हजम भी हो जाएगा, चलेगा भी, आपके परिवार में खुशहाली भी रहेगी, लेकिन आपके परिवार में कोई मुसीबत नहीं आएगी। लेकिन गलत तरीके से आप जाओगे, लालच लग जाएगी, आदत पड़ जाएगी बेवकूफ़ बनाने की, झूठ बोलने के, फिर आपको भुगतना है। वो तो इस टॉपिक के अंदर ज़्यादा बात नहीं करेंगे, तबीयत ठीक नहीं है, जितना मुझसे हो सका मैंने उतना आपसे बात किया। दुआ करिएगा मैं जल्दी अच्छा हो जाऊँ, आप लोग के सामने आऊँ। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए। ऐसी रहस्यमय अमलियात टोने टोट के साधना विधि विधान चमत्कारी प्रयोग में आप लोग के सामने लाता रहूंगा। मेरी किताब जीवन यात्रा एक रहस्यमय खोज संपूर्ण पुस्तक को खरीदना ना भूले। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज़।